नमस्कार, मैं हूं स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। कॉफी विद करण का सीजन 8 आ चुका है और हमेशा ही सुर्खियों में रह रहा है। कॉफी विद करण सीजन 8 का अगले एपिसोड का प्रोमो आ गया है, जिसमें करीना कपूर और आलिया भट्ट उनके अगले गेस्ट होंगे। यहाँ पे प्रोमो में बताया गया है कि करीना कपूर और आलिया भट्ट से करण जौहर कई सारे इंटरेस्टिंग बातें करते नजर आ रहे हैं, उनकी कई सारी दिलचस्प बातें और कई राज भी खोल रहे हैं। तो चलिए, आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर करण जौहर करीना कपूर और आलिया भट्ट से क्या क्या बातें कर रहे हैं। कॉफी विद करण सीजन 8 OTT प्लेटफॉर्म पर तहलका मचाए हुए है। अभी तक के सारे एपिसोड हिट हुए हैं। शो की अगली मेहमान आलिया भट्ट और करीना कपूर होंगी। उनका एक प्रोमो रिलीज हो गया है। प्रोमो में दोनों के साथ करण जौहर की इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। इस दौरान वो करीना कपूर पर तंज कसते हुए अमीषा पटेल का जिक्र करते हैं, जिसके बाद एक्ट्रेस उन्हें इग्नोर करती हैं। वीडियो की शुरुआत में आलिया भट्ट कॉफी विद करण को कॉन्ट्रोवर्शियल विद के कहती हैं। करण ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन किसकी भाभी और ननद है। करीना तब करण से कहती है, ये तो उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी खुशी कभी गम बनाई। करीना साफ कह देती हैं, वो किसी की भाभी नहीं है। दरअसल रिश्ते में आलिया करीना की भाभी है। आगे करण पूछते हैं कि वो गदर 2 की सक्सेस पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुई। जब करीना कहती हैं मैं, तो करण अमीषा पटेल के साथ उनके झगड़े का जिक्र करता है। करण कहते हैं, पहले तुम कहो ना प्यार है करने वाले थे, लेकिन फिर वो रोल अमीषा पटेल को मिल गया। करीना दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं करण को इग्नोर कर रही हूँ। दरअसल कहो ना प्यार है मैं पहले करीना कपूर को लिया गया था। अमीषा पटेल ने बॉलीवुड बबल से बात पैच। अमीषा पटेल ने इस चीज़ का खुलासा किया था कि फिल्म मेकर राकेश रोशन ने शूटिंग शुरू होने से 3 दिन पहले करीना कपूर को कहो ना प्यार है छोड़ने के लिए कहा था। उनके बीच मतभेद थे। करीना और आलिया ने हाल ही में एक ज्वेलरी कंपनी के लिए विज्ञापन किया। शनिवार की रात को जब करीना ने दिवाली पार्टी रखी थी, आलिया और रणबीर कपूर भी पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो गई है। तो देखा आपने कि कैसे यहां पर करण जौहर ने करीना कपूर और आलिया भट्ट के ननद भाभी के रिश्ते के लिए भी उन्हें पूछा कि आखिर इसमें से ननद कौन है और भाभी कौन है। और उसके बाद करण जौहर ने करीना कपूर पे तंज कसते हुए अमीषा पटेल से उनके हुए झगड़े के बारे में बोला, जहां पर करीना कपूर उन्हें इग्नोर करती हुई नजर आ रही है। और उन्होंने लास्ट में ये भी बोला कि जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैं करण को इग्नोर कर रही हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ। गुड बाय।